इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा, इस मौसम में तो ठंडा बनता ही है। और वैसे भी मैंने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, जो आपके नसीब में था आप तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नजमा बहन, कोई परेशानी है? क्या बताऊं आपको, परेशानियों ने तो जैसे मेरे घर का रास्ता ही देख लिया। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। क्या बात है? सारे हालात तुम्हारे सामने हैं और मजीद परेशानी की बात यह है कि नौबत फाकों तक आन पहुंची है। माशाल्लाह, आपकी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, आपके घर फाकों की नौबत समझ नहीं आया। इसीलिए तो मैं आपके पास आई। मैं समझी नहीं। आपने मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियों को कंपनी में जॉब दिलवाई है, मेरी बेटियों को भी जॉब दिलवा दो। मगर मगर क्या? हमारी लड़कियों का काम बहुत मुश्किल है। लोगों के घरों पर जाकर सामान बेचना कोई आसान काम नहीं है। आपकी लड़कियां कर लेंगी? कर लेंगी, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और जब इंसान पे मुश्किल पड़े तो उसे समझौते तो करने ही पड़ते हैं ना। आप परेशानियों, वो हर काम कर लेंगे। चले, परेशान मत हो, कल बच्चियों को मेरे पास भेज दीजिएगा, सब सही होगा इंशाल्लाह। ठीक है। ले।